एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों में पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर प्रवेश कराने की मांग को लेकर एबीवीपी लगातार आंदोलन कर रही है। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पवेलियन ग्राउंड से लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कॉलेज के छात्र जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने की मांग करने लगे, लेकिन बाद में छात्र प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उन छात्रों को आपने मेरठ, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जगहों पर उनका जो है अपना सेंटर डाल दिया है। अगर वो छात्र उत्तर प्रदेश जा पाता है, वो 1500 रुपये में ग्रेजुएशन करना चाहता है, यहाँ से उत्तर प्रदेश जाने का किराया इतना होगा, तो कहाँ से ये सब चीज़ें कर पाएगा? तो उन छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चले गया है और वो छात्र अभी समझ नहीं पा रहे कि हम करें क्या। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उन छात्रों को 12वीं के बाद मेरिट के आधार पर एडमिशन मिले और कॉलेज में सभी महाविद्यालयों में सीटें कंप्लीट हो। तो चूंकि जो पता चल रहा है वो ये है कि अभी भी कॉलेजों में, महाविद्यालयों में 60% सीटें जो हैं वो खाली हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रित में ये निर्णय लेते हुए वो 60% सीटें पूर्व की भांति मेरिट बेस पर उनको एडमिशन देना चाहिए, जिससे कि छात्र हित हो। और चूंकि विद्यार्थी परिषद इस प्रकार से आंदोलन कर रही है, तो विद्यार्थी परिषद का भी यही कहना है कि यदि छात्रित में इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए गए तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए करबद्ध होगी।